राधे राधे दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, जिसके लिए आधी किलो दही ली है। उसे अच्छे से फेटाए, उसके बाद मैंने 2 बड़े चमचे से मैंने डाला है उसमें बेसन, और बेसन डालने के बाद और अच्छे से चलाया है उसे। अब चलाने के बाद इतना अच्छे से चलाना है जिससे कि वो अच्छे से मिल जाए। और इसमें सारे मसाले ऐड करे हैं मैंने। इसमें मैंने हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डाली है। नमक मैं बाद में ऐड करूँगी इसमें। और इसमें मैंने 1 लीटर डाली है मैंने छाछ, जिस और थोड़ा सा डाला है पानी। पानी डालने के बाद फिर एक बार और अच्छे से चलाएंगे। चलाने के बाद इसे मैं 2 मिनट के लिए रख दूँगी। अब कढ़ाई को गर्म करने के बाद अब मैं इसे छौंक लगाऊंगी। तो मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, थोड़ा सा ऑयल डाला है उसमें, और हींग, जीरा और थोड़ी सी डाली है उसमें मैंने मेथी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और अब मैंने कढ़ी डाल दी है उसमें। इसे डालने के बाद अब उबाल आने तक मुझे चलानी है ये। अब मैं चावल बना रही हूँ जो मैंने थोड़ी सी देर पहले भिगो रखे थे चावल। और कुकर में थोड़ा सा ऑयल या घी डाल के उसमें जीरा डाला है। उसके बाद मैंने चावल डाल दिए उसमें और इसे ढक के रख दिया। अब 2 सीटी आने के बाद अब मैं गैस बंद करूंगी। अब मैं कढ़ी में दोबारा से छौंक लगा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने पतली पतली प्याज काटी है थोड़ी सी, और कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और कढ़ी में दोबारा से छौंक लगाया है। अब देखो मेरी कढ़ी बन के तैयार है और चावल। आप बताओ मेरी कढ़ी कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।